One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ये किस ईयर के छात्र हैं? ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, LLB कर रहे हैं लॉयड लॉ कॉलेज से, और ये आर्यन हॉस्टल है उसमें रहते थे। सर, CCTV फुटेज बताई जा रही है, वो नहीं मिली, गायब कर दिया, क्या बात है मामले? उसकी अभी जांच की जा रही है, हम लोग उसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, उसमें क्या टेक्निकल इशूज़ हैं उसके संबंध में भी। सर, क्या क्या नाम हैं तीनों के, और किस कॉलेज में थे, किस ईयर के छात्र हैं, और क्या घटनाक्रम था वो पूरा जिस दिन वारदात हुई थी? बेसिकली नाम मैं इनके नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बट बेसिकली ये है कि ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं लॉयड लॉ कॉलेज के, LLB के। ये क्या कहते हैं, आपका जो आर्यन हॉस्टल है उसमें ये रहते थे, उसी में जो विक्टिम है जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है बीटेक का, वो NIU में, वो भी वहीं रहता था। तो इसके साथ इन लोगों ने काफ़ी मारपीट की है और उसका मेडिकल कराया गया, मेडिकल में उन सब चोटों की पुष्टि भी हुई है, और उसी के चलते इसमें FIR दर्ज की गई है जिसमें एंटी रैगिंग एक्ट भी लगाया गया है, और उसी के संबंध में सभी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो एक आरोपी है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बेटा भी है? अभी हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ अक्यूज़ को अरेस्ट किया है, और उनके पेरेंट्स और उसके बारे में हमने अब तक ऐसी कोई जानकारी न करने का प्रयास किया है, ना हमें जानकारी फैला रहे हैं। सर, जो आरोप जो अभी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया इससे पहले कि ऐसा सच कोई कंप्लेंट नहीं है, और इसकी फैमिली ने भी ये कंप्लेंट इसके संबंध में पहली बार हुई है, इससे पहले ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई है राइडिंग से रिलेटेड उस हॉस्टल की। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसकी भी जांच की जाएगी। SP साहब फ़ोन मिला लें। हाँ, भैया तुम थोड़ा सा मिल जाओ भाई साहब, नींद के हमारे छोटो जबित कह रहा हूँ, मिल जाओ, मिल इन्हें मिला दो आपस में। गरम भाई उधर हो जाना, लंबा नहीं बनना फोटो, दो कट रहा है तो क्या फायदा रहेगा? भैया ऊपर देखेंगे ना, ऊपर ऊपर आ जा, आ जा, कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम कर लो, मैं बाद में आ जा, जी कर लेना, कर लेना, मैं होगा पीछे बहुत हूँ। कर लिया लोकेश, क्या क्या नाम है भाई तुम्हारे, नाम क्या छोटू? सत्यम। एंड्रयूस। तेरा? हैं? ऋतुराज। क्लास में पढ़ते हो? सेकंड ईयर। कौन से कॉलेज में, कौन से सेकंड ईयर? किस कॉलेज? लॉयड लॉ कॉलेज। लॉयड में। पिताजी क्या करते हैं? जज हैं। हैं? जज हैं। कहाँ पर तैनात हैं? धनबाद। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वो लड़का दारू पी करके आया था, पहले तो वार्डन से बदतमीजी करी, फिर हमसे आगे करी, हमारा मोबाइल तोड़ दिया। अच्छा। उसने फिर हमने जब पुलिस में कंप्लेन करने को कहा तो रोने लगा, पैर वैर पड़ने लगा, तो हमने उसको अपने रूम में रखा, वो बाहर से लड़कर आया था, तो हमने क्रीम वगैरह सोफ्रामेसिन और कॉम्बिफ्लाम उसे खिलाया ताकि उसे दर्द वर्द ना हो, फिर उसके फर्स्ट एड उसे करा था, उसके फादर का नंबर लिया, फादर को कॉल करा, बट फादर का कॉल अनरीचेबल था, बस वो रोने लगा बहुत ज़्यादा, बोला कि मैं कुछ भी होगा मैं घर में बता दूंगा जो भी मैटर है, तो फिर हमने छोड़ दिया। किसने तो मारपीट करी थी उसके साथ? उस बाहर से वो नोएडा से उस दिन दारू पी करके आया था। अच्छा। पहले आकर के हमारे वार्डन से बदतमीजी करी, फिर हमसे आकर लिफ्ट में करा, पूरा उसकी मम्मी फादर आए, हमारे वार्डन को भी मारा, पूरे CCTV फुटेज में
वो आपको आर्यन रेसिडेंसी में मिल जाएगा। उसने तो आप पे आरोप लगाया कि आपने तो वो मुझ पे थोड़ी वो अपने आप पे थोड़ी आरोप लगाएगा, वो ऑब्वियसली मुझ पे लगाएगा। कितने 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 स्टूडेंट थे उस दिन आप सब साथ? उस दिन पूरा 8th फ्लोर था, पूरे 8th फ्लोर ने उसको देखा था कि वो बदतमीजी कर रहा था। आप जाके पहले चेक करवा लो आर्यन रेसिडेंसी में, फिर आपको पता। आप उस पूरे हॉस्टल ने देखा था। आप आर्यन रेसिडेंसी जाओ, हमारे वार्डन से पूछो, हमारे प्रोफेसर से पूछो हम कैसे हम क्या करते हैं, और उसके बारे में पूछो, उसका बैकग्राउंड लो, आपको पता चल जाएगा। मैं तो 1.5 साल से रह रहा हूँ, वो 1 हफ्ता पहले है, तो 1 हफ्ते में उसने बहुत बदतमीजी करी। 2-3 बार उसकी कंप्लेन, उसी दिन रात में वार्डन हटाने वाले थे, बट किस्मत उसकी अच्छी थी कि उस दिन वो बच गया, और ये हुआ कि सारा आरोप हम पे डाल दिया। हमारी ये गलती रही।